हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन द्वारा 30 अगस्त को संपन्न किए जाने वाले पर्यावरण दिवस के विशिष्ट कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है, प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। और ऐसा हम गत 200 साल से जी रहे, 250 साल से जी रहे, उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं, उसकी भयावहता अब लोगों को दिख रही है। ऐसे ही चला तो इस सृष्टि में जीने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि यह सृष्टि ही नहीं रहेगी। और इसलिए मनुष्य विचार करने लगा तो उसको लगा कि इस पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और इसलिए पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। परंतु यह हो गई आजकल, विशेषकर 2000 वर्ष पुराने समय से प्रचलित और विशेषकर पिछले 300 वर्षों में अधिक भटका हुआ ऐसा जो तरीका हमने अपनाया उसकी बात हुई। लेकिन भारत का हमारा तरीका एकदम भिन्न है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया, और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं। शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं तब शरीर चलता है, और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है, सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। यह जीने का तरीका हमारे पूर्वजों ने समझा, और केवल एक दिन के नाते नहीं, एक डे के नाते नहीं, तो पूरे जीवन में उसको रचा पचा लिया। हमारे यहां ये स्वाभाविक कहा जाता है कि भाई शाम को पेड़ों को मत छेड़ो, पेड़ सो जाते हैं। पेड़ों में भी जीव है, जीव सृष्टि का वो हिस्सा है, जैसे एनिमल किंगडम है वैसे प्लांट किंगडम है,
ये आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे पास आने के हजारों वर्ष पहले से हमारे देश का सामान्य अनपढ़ आदमी भी जानता है पेड़ों को शाम को छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन के तरीके में क्या करना क्या रहना सारा अनुस्यूत है। हमारे यहां रोज चींटियों को आटा डाला जाता था, हमारे यहां घर में गाय को गोग्रास, कुत्ते को श्वान बलि, पक्षियों को काक बलि, कृमि कीटकों को लिए बलि, और अतिथि भूखा कोई गांव में है उसके लिए ऐसे पांच बलि चढ़ाने के बाद गृहस्थ भोजन करता था। ये बलि याने प्राणी हिंसा नहीं थी, ये बलि याने अपने घर में पका हुआ अन्न इन सबको देना पड़ता है। इन सबका पोषण करना मनुष्य की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन सबसे पोषण मनुष्य को मिलता है। इस बात को समझकर हम जीते थे, इसलिए हमारे यहां नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहां वृक्षों की भी, पेड़ पौधों की, तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहां पर्वतों की पूजा प्रदक्षिणा होती है, हमारे यहां गाय की भी पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। संपूर्ण विश्व जिस एक चराचर चैतन्य से व्याप्त है, उस चैतन्य को सृष्टि के हर वस्तु में देखना, उसको श्रद्धा से देखना, आत्मीयता से देखना, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना और परस्पर सहयोग से सबका जीवन चले, ऐसा करना, ये जीवन का तरीका था। भगवद गीता में कहा है परस्परम भावयंतम, देवों को अच्छा व्यवहार दो, देव भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। इस प्रकार का अपना जीवन था, लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में आकर हम उसको भूल गए। इसलिए आज हमको भी पर्यावरण दिन के रूप में इसको मनाकर स्मरण करना पड़ रहा है। वो करना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा स्मरण हर घर में होना चाहिए। ऐसे स्मरण का हमने प्रवर्तित किया हुआ इस साल का 30 अगस्त होगा, लेकिन हमारे यहां नागपंचमी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा है, हमारे यहां तुलसी विवाह है। इन सारे दिनों को मनाते हुए, आज के संदर्भ में उचित ढंग से मनाते हुए, हम सब लोगों को इस संस्कार को अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित और पुनर्संचरित करना है, जिससे नई पीढ़ी भी उसको सीखेगी, उस भाव को सीखेगी। हम भी इस प्रकृति के एक घटक है, हमको प्रकृति से पोषण पाना है, प्रकृति को जीतना नहीं, हमको स्वयं प्रकृति से पोषण पाकर प्रकृति को जिलाते रहना है। इस प्रकार का विचार करके आगे पीढ़ी चलेगी, तब ये विशेषकर पिछले 300-350 वर्षों में जो खराबी हुई है उसको आने वाले 100-200 वर्षों में हम पाट जाएंगे, सृष्टि सुरक्षित होती, मानव जाति सुरक्षित होगी, जीवन सुंदर होगा। इस दिन को मनाते समय ये केवल कोई अपना एक मनोरंजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ऐसा भाव न रखते हुए, संपूर्ण सृष्टि के पोषण के लिए, अपने जीवन को सुंदरता पूर्ण बनाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमको भाव मन में रखना चाहिए और आंखें खोलकर इस एक दिन का संदेश साल भर पूरे जीवन में छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अपने आचरण में उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस चिंतन को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं, इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा कथन समाप्त करता हूं।